Hello everyone, welcome you all in this lecture session video. I am Pratibha Bhakkar, your course teacher of diseases of wild and horticultural crops and their management part 2. And today I am going to discuss about the diseases of onion and garlic, which are very important crop in India and also all around the world. So today I am going to discuss about the very important diseases of onion and garlic, and they are purple blotch and Stymphelium leaf blight. So first, purple blotch. Purple blotch is caused by a fungus that is Alternaria pori. And first, the symptoms. So जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, दोनों ही इमेज में जो सिम्टम्स है वो बहुत ही क्लियर है. सॉरी, जो इनिशियल में जब सिम्टम स्टार्ट होता है वह अनियन या फिर गार्लिक के टिप से स्टार्ट होता है और टिप से वो नीचे की तरफ सिम्टम्स बढ़ने लगता है. इनिशियल सिम्टम्स माइन्यूट वाइटिश डॉट्स में अपीयर होते हैं लीव्स में, और इनमें लीव्स में इरेगुलर क्लोरोटिक एरियाज फॉर्म होते हैं. ये क्लोरोटिक एरियाज सर्कुलर टू ऑबलोंग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो कि वेलविटी रहती हैं, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अपीयर होती हैं इन क्लोरोटिक एरिया में. एंड कभी कभी इन क्लोरोटिक एरिया के चारों तरफ येलो हॉलो भी देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही रेयर है. जैसे जैसे डिसीज़ इंक्रीज हो जाती है, ये स्पॉट्स आपस में कोलाइज होने लगते हैं, आपस में मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स होता है वह ड्राई होने लगता है फ्रॉम टिप से नीचे की तरफ. यानी कि जब ड्राई होना स्टार्ट होगा, जैसे इन्फेक्शन टिप से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही लीव जो होता है वो ड्राई होना स्टार्ट कर देगा टिप से नीचे की तरफ. इसके अलावा जो डिसीज्ड लीव होती है वह कभी कभी इन्फेक्शन के पॉइंट से टूट कर नीचे की तरफ लटक जाती है. यह भी सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है पर्पल ब्लॉच में. एंड जो इन्फेक्शन है वह केवल और केवल लीव्स में ही देखने को नहीं मिलेगा, वह बल्ब, सीड स्टॉक और प्लांट के नेक पे भी देखने को मिलता है. और इस तरह के इन्फेक्टेड प्लांट के बल्ब जो होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, ये बल्ब ड्राई और पेपरी हो जाते हैं, जिनका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है. तो इस तरह से ये डिसीज़ प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिसमें बेसिक सिम्टम्स प्लांट में माइन्यूट वाइटिश कलर के डॉट्स अपीयर होते हैं और धीरे धीरे प्लांट टिप से लेकर नीचे की तरफ क्लोरोटिक होने लगता है. इन क्लोरोटिक एरियाज में कॉन्सेंट्रेट टू ऑबलोंग कॉन्सेंट्रिक वेलविटी रिंग्स बनते हैं, और कभी कभी इन रिंग्स के, इन लीजन्स के चारों ओर येलो ऑरो भी देखने को मिलता है. ये स्पॉट डिसीज़ के एडवांस कंडीशन में आपस में कोलाइज हो जाते हैं और लीव पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ड्राई होने लगती है, या फिर लीव इन्फेक्शन के पॉइंट से टूट कर नीचे लटक जाती है, और साथ ही इन्फेक्टेड प्लांट के बल्ब ड्राई एंड पेपरी होते हैं. तो ये था इस डिसीज़ का कॉमन सिम्टम. जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेरिया डिसीज़ का जैसे बहुत ही जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वह है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा. इस ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, और जैसे कि टिप से देख सकते हैं कि जो टिप का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ है. तो ये था सिम्टम्स ऑफ पर्पल ब्लॉच कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया पोराई. नेक्स्ट है पैथोजन. सो ये डिसीज़ में, इस डिसीज़ के द्वारा यानी कि इस पैथोजन के द्वारा कुनीडिया एंड कुनीडियो फोर प्रोड्यूस किए जाते हैं. कुनीडियो फोर या तो सिंगली या फिर स्मॉल ग्रुप से निकलते हैं, स्मॉल ग्रुप के रूप में निकलते हैं, या फिर ये सिंगली भी अराइज होते हैं. इसके अलावा कुनीडियो फोर का जो कलर होता है वो पेल टू मिड ब्राउन कलर में होता है, और इनकी लंबाई 120 माइक्रोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है, और साथ ही साथ इनका जो थिकनेस है वह 5 to 10 माइक्रोमीटर तक रिपोर्ट किया गया है. सो ये था कुनीडियो फोर का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है कुनीडिया. कुनीडिया या तो सिंगली, जो कुनीडिया है वह सिंगली अराइज होते हैं, यानी कि एक सिंगल कुनीडियो फोर पे एक सिंगल कुनीडिया ही प्रोड्यूस होता है, और ये कुनीडिया या तो स्ट्रेट होंगे या फिर स्लाइटली कर्व्ड होंगे, या फिर या तो यानी कि या तो ये स्ट्रेट होंगे या तो
स्लाइटली कर्व्ड होगी, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट है एंड इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये स्लाइटली कर्व्ड है। तो इस तरह से कुनीडिया एक सिंगल कुनीडियो फोर्थ पे सिंगली अराइज होगा एंड या तो ये स्ट्रेट होगा या तो फिर सिंगली कर्व्ड होगा। एंड ये जो इसका शेप है वो ऑब्लिकेवेट शेप का होता है, ऑब्लिकेवेट शेप जिसमें कुनीडिया की बॉडी इलिप्सॉइडल शेप की भी हो सकती है और इसका जो टैपरिंग होता है यानी कि जो इसका वीक होता है वो उसमें टैपर्ड होते हैं एंड साथ ही साथ जो ओवरऑल लेंथ होती है कुनीडिया का वो रहता है 100 to 300 माइक्रोमीटर एंड इनका विड्थ 15 to 20 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके अलावा 8 से 12 ट्रांसवर्स सेप्टा इसमें देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं इनमें सेप्टेशन जो है यह 8 से 12 तक इसमें सेप्टेशन देखने को मिलेगा और जो सेप्टेशन का टाइप होता है वो ट्रांसवर्स होता है जो कि मोस्टली अल्टरनेरिया के कुनीडिया में देखा गया है ट्रांसवर्स सेप्टेशन। साथ ही साथ 0 to 7 लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक्यू सेप्टा भी देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें ट्रांसवर्स भी है एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा दोनों ही तरह के सेप्टेशन पाए जाते हैं। ये अल्टरनेरिया का बहुत ही कॉमन सेप्टेशन कोनीडिया में प्रोडक्शन होता है सेप्टेशन का, वो ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। सो ये था इस डिसीज़ का पैथोजन का एटियोलॉजी। अब नेक्स्ट है डिसीज साइड। सो यह डिसीज़ मेनली प्राइमरी इन्फेक्शन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस या फिर सीड बल्ब के द्वारा होता है जो कि जिसमें कुनीडिया सुसुप्ता अवस्था में यानी कि डोर्मेंट स्टेज में सर्वाइव करते हैं एंड ये कुनीडिया नेक्स्ट सीजन आने तक प्लांट डेब्रिस में ही सर्वाइव करते हैं और जैसे ही फील्ड में सोइंग की जाती है तो ये फेवरेबल कंडीशन के साथ प्लांट में इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं या फिर ये अगर ये पैथोजन सीड बल्ब में प्रेजेंट है तो इन्फेक्टेड बल्ब को भी सोइंग करने से फील्ड में इस डिसीज़ का इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो ये था प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होगा वह होगा विंडबॉर्न कुनीडिया के द्वारा, यानी कि जैसे ही प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होगा कुनीडिया डेवलप होंगे एंड देन ये कुनीडिया एयर के थ्रू रिलीज हो जाएंगे और फिर वहाँ पे या कुनीडिया फोर एंड कुनीडिया किसी हेल्दी प्लांट में जाके सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से यह डिसीज साइकिल चलता है, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और सीड बल्ब से हो रहा है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन विंडबॉर्न कुनीडिया के द्वारा हो रहा है। देन है फेवरेबल कंडीशन। इस डिसीज़ के डिसीज साइकिल को फेवर करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वह है वार्म ह्यूमिड वेदर विथ रेन्स और हैवी ड्यू, यानी कि जो वेदर का कंडीशन होना चाहिए इस डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए वह होगा वार्म ह्यूमिड वेदर कंडीशन एंड फ्रीक्वेंट रेन और हैवी ड्यू भी इस डिसीज़ को के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें डिसीज बहुत ही फास्ट ग्रो होते हैं और डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए डीप सम डिफरेंट प्रैक्टिस का यूज़ करना चाहिए जिसमें कि कल्चर प्रैक्टिस में है डीप समर प्लाविंग। प्लांट में अगर फील्ड में अगर हम डीप समर प्लाविंग करते हैं तो जो क्रॉप डेब्रिस में जो डिसीज इन्फेक्टेड डेब्रिस में कुनीडिया प्रेजेंट होंगे वह सनलाइट में आके इनएक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि ये बल्ब के थ्रू भी फील्ड में अकर हो रहा है तो हमें हमेशा हेल्दी बल्ब्स का ही यूज़ करना चाहिए, यानी कि बल्ब के सिलेक्शन के टाइम में हेल्दी बल्ब्स का यूज़ करना चाहिए प्लांटिंग मटेरियल के रूप में और या फिर हम बल्ब का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बल्ब को ट्रीट करने के लिए मैनकोजेब या थीरम जैसे फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं जिनमें 0.25% का सोल्यूशन बना के हम बल्ब को डिप कर सकते हैं देन 10 मिनट डिप करने के बाद इसे प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है थायरम से। थायरम में थायरम का जो अमाउंट रहेगा वह रहेगा 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स। सो ये था सीड ट्रीटमेंट। इसके अलावा स्प्रेइंग
के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्प्रिंग के लिए मैनकोजेब एंड क्लोरथैलोनील का यूज़ किया जा सकता है। मैनकोजेब का जो अमाउंट रहेगा वह रहेगा 0.2% और क्लोरथैलोनील का अमाउंट 0.2%। सो इस तरह से हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इन डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ करके। इसके अलावा फील्ड में हमें हमेशा मोनोक्रॉपिंग को अवॉइड करना चाहिए एंड हमेशा टाइम टू टाइम वीडिंग करनी चाहिए। जो फील्ड में क्रॉप डेब्रिस हैं उनको प्रॉपर सैनिटेशन के थ्रू रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा हम फील्ड में एंड डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस के थ्रू हम डिसीज़ को एस्केप कर सकते हैं, जिसमें कि जो प्रोडक्शन होगा उसका लॉस कम से कम हो सके, डिसीज़ फील्ड में कम से कम आकर हो सके। सो ये था डिसीजेस पर्पल ब्लॉस डिसीज ऑफ अनियन एंड गार्लिक। नेक्स्ट है स्टेम फेलियर लीव ब्लाइट, जो कि कॉज होता है स्टेम फेलियर वेसिकेरियम से, जो कि फंगस है। सो इस डिसीज़ का सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स देखते हैं। सो इस डिसीज़ का जो सिम्टम्स है वो इनिशियली लीव्स में एंड लीव शीट में देखने को मिलता है। लीव्स एंड लीव शीट में जो सिम्टम्स होते हैं वो स्मॉल लाइट येलो टू ब्राउन कलर के होते हैं एंड वाटर सॉफ्ट पैचेस के रूप में स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसका सिम्टम्स भी सिमिलर है थोड़ा पर्पल ब्लॉस से, लेकिन उसमें जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनता है वो वेल्विटी बनता है, इसलिए हम उसे और थोड़ा पर्पल शेप कलर का होता है, इसलिए हम उसे पर्पल ब्लॉस कहते हैं। लेकिन स्टेम फेलियर लीव ब्लाइट में क्या होता है कि ये डिसीज़ कभी कभी सन के द्वारा ज़्यादा उसकी सन की ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से जो ड्राइनेस प्लांट में आती वैसा ही ये डिसीज़ दिखाई देता है फील्ड पे, बट ये सन के द्वारा नहीं हुआ रहता, ये कॉज हुआ रहता है फंगस के द्वारा। सो इनिशियल स्टेज में वाटर सोक पैचेस आते हैं लाइट येलो टू ब्राउन कलर के, और जैसे 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 डिसीज़ डेवलप करने लगता है लीजन्स भी होते हैं वो अपने साइज़ को इंक्रीज करने लगते हैं, जिसके कारण ये आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं और ब्लाइटनिंग कॉज करते हैं लीफ में। जैसे कि ये इसमें देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यह बहुत ही स्मॉल स्मॉल पैचेस के रूप में फॉर्म होते हैं एंड जैसे ही ये आपस में डिसीज डेवलपमेंट की वजह से मर्ज होते हैं, पूरा का पूरा जो टिप का पोर्शन है वह उसमें ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ये ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स धीरे धीरे ड्राई होने लगते हैं। सो ये जो लीजन्स होते हैं ये हायर नंबर पे प्लांट पे देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा ये लीव्स पे ही देखने को मिलता है, ऐसे लीव्स जो कि विंड के लिए प्रिवेलिंग हो। सो इसके अलावा लीजन का जो सेंटर होता है वो ब्राउन से टैन कलर का होता है। अभी इमेज देख सकते हैं कि जो लीजन का जो सेंटर पोर्शन है ना, जहाँ पे अगर मान लो बहुत सारे स्पॉट्स इस तरह से यहाँ यहाँ पे अपीयर होंगे, तो जब ये आपस में मर्ज होंगे, लेकिन जहाँ इनका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट जहाँ से होगा वहाँ पे उनका जो लीजन का कलर होगा वह ब्राउन टू टैन कलर का होगा एंड धीरे धीरे ये डार्क ऑलिव ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगेंगे, और जैसे कि पूरा का पूरा जो डिसीज़ है वो मैच्योर हो जाएगा तो यह फाइनली ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यानी कि जो लीजन का सेंटर है वह ब्लैक कलर में एट लास्ट में देखने को मिलेगा। इनिशियल में ब्राउन टू टैन कलर का दिखेगा, देन फिर डार्क ऑलिव ब्राउन कलर का दिखेगा, और फाइनली ब्लैक कलर में यह बदल जाता है। तो इस तरह से सिम्टम्स प्लांट में देखने को मिलता है। कभी कभी फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर भी इस सिम्टम्स में देखने को मिलता है, लीजन्स में प्रोड्यूस होता है, और ये फ्रूटिंग बॉडी है पैरीथीशिया की। ये इन्फेक्टेड टिश्यू में स्मॉल ब्लैक कलर के पिन हेड लाइक बॉडीज फॉर्म होते हैं, जो कि सिम्टम्स में थोड़ा सा उठे हुए रहते हैं, यानी कि ये जो पिन हेड स्ट्रक्चर होते हैं वो सिम्टम्स क्या होगा, इक्वल होगा प्लांट के सरफेस पे, लेकिन ये सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ निकले हुए रहते हैं, जैसे कि कोई भी कोई भी माइसीलियम या फिर राइजोपस का जो कॉमन स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है कि उसमें उसका जो स्पोर्स है वो ऊपर की तरह अलग से निकले होते हैं, तो सेम इसमें भी रेज्ड बॉडी में पिन हेड लाइक रेज्ड बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये था सिम्टम्स ऑफ स्टेम फेलियर लीव ब्लाइट। नेक्स्ट है इसका पैथोजन। सो स्टेम फेलियर वेसिकेरियम का टीलोमॉर्फ स्टेज जो होता है वो होता है प्लियोस्पोरा एली, एंड
इसमें मेनली इस पैथोजन का जो सबसे मेन स्पोर प्रोडक्शन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, वो होता है कुनीडिया। और यही कुनीडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में सिम्टम्स कॉज करने के लिए। सो जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि जो कुनीडिया होते हैं ये ऑबलोंग शेप के होते हैं, और इनमें जो सेप्टेशन होता है वो मल्टी सेप्टेड होता है। इवन जो कुनीडियोफोर भी होते हैं या तो फिर ये ग्रुप, ये मोस्टली ग्रुप में ही देखने को मिलेंगे। सो जो कुनीडिया होता है वो ओबलोंग शेप का होगा, मल्टी सेप्टेड होगा, और जो शेप होगा वह होगा ब्राउन कलर का। एंड इसका जो साइज होता है वह होता है 23.6 to 42.8 into 16.5 to 25.2 माइक्रोमीटर, ये इसका शेप होता है। कभी कभी इस डिसीज़ का जो कुनीडिया है इसको एवरेज भी, इसका जो सबसे एवरेज साइज होता है वो होता है 33.3 to 20.9 माइक्रोमीटर। तो ये था इस कुनीडिया का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है डिसीज साइकिल। सो ये डिसीज़ का प्राइमरी इन्फेक्शन प्लांट डेब्रिस एंड सीड बल्ब के थ्रू होता है, यानी कि जो कुनीडिया होगा वो प्लांट डेब्रिस या फिर कुनीडिया के अलावा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होगा पैरिथीशियम, तो ये पैरिथीशियम या फिर जो पैरिथीशियम मोस्टली वो प्लांट डेब्रिस या फिर सीड बल्ब में डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा और वहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा। तो प्राइमरी इन्फेक्शन के जो हो रहा है वो सॉइल में प्रेजेंट प्लांट डेब्रिस के कारण हो रहा है या फिर इन्फेक्टेड सीड बल्ब यूज़ करने के कारण हो रहा है। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन प्लांट में एयरबॉर्न कुनीडिया के द्वारा होगा। ये एयरबॉर्न कुनीडिया जैसे ही प्लांट में जब स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होने लगता है, यानी कि सिम्टम्स जब प्रोड्यूस होगा, तब इन सिम्टम्स के साथ जब कुनीडिया प्रोड्यूस होती है तो ये एयर के कॉन्टैक्ट में आके वो प्लांट के अन्य हेल्दी प्लांट में जाके इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे, या फिर किसी हेल्दी फील्ड में जाके भी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट करके उस हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो ये डिसीज़ का डिसीज साइकिल का प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। देन इस डिसीज़ की डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन सेम, इसमें भी वार्म ह्यूमिड वेदर एंड रेन एंड हैवी ड्यू फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेम एज पर्पल ब्लॉट। सो ये था इस डिसीज साइकिल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे फार्मर का प्रोडक्शन में लॉस नहीं होगा, अगर लॉस होगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में होगा, बहुत ही कम परसेंटेज में होगा। सो इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए टाइम पे फील्ड में मॉनिटरिंग करनी है, एंड ऑनियन में लगने वाले थ्रिप्स हैं इनको कंट्रोल करना है और इनका लेवल देखना है, क्योंकि इस डिसीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये क्रॉप ट्रैपिस के थ्रू हो रहा है तो फील्ड में सैनिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फील्ड में टाइम टू टाइम सैनिटेशन करना है, क्रॉप रोटेशन यूज़ करना है। इसके अलावा समर डीप प्लाविंग का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड डिफरेंट नॉन होस्ट क्रॉप के साथ इसका क्रॉप रोटेशन करना, जिसमें कैरोट कैलरी लेट्यूस इन सब होस्ट के साथ, इन सब क्रॉप्स के साथ हम नॉन होस्ट क्रॉप के साथ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इनोकुलम को रिड्यूस करने के लिए इन्फेक्टेड क्रॉप या फिर जितने भी कल पाइल्स हैं उनको फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए, जो कि इन्फेक्शन वहीं पर रुक जाए, एंड रजिस्टर्ड फंजीसाइड का यूज़ करना चाहिए ताकि डिसीज़ को सप्रेस किया जा सके। एंड फील्ड में एनवायरमेंटल स्ट्रेस प्रोवाइड ना हो, इसलिए प्लांट में फील्ड में हमेशा एडिक्वेट मॉइस्चर प्रोवाइड करना चाहिए, एंड साथ ही साथ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करना चाहिए पूरे के पूरे ग्रोइंग सीजन में। इसके अलावा हर्बिसाइड इंजरी को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि फंगस का एंट्री पॉइंट है वो जो ब्लॉक हो जाए। इसके अलावा हम केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो फंजीसाइड्स में हम कार्बेंडाजिन और मैनकोजेब की कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिनका अमाउंट होगा 0.25%। तो ये था डिसीजेस ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। तो ये बहुत ही जो दो डिसीज हमने अभी डिस्कस किया
ये सबसे बहुत ही कॉमन डिसीजेज हैं जो कि फिल्म में देखने को मिल सकते हैं, और डिफरेंट डिस्कस मैनेजमेंट के द्वारा हम इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और इन्फेक्शन कम हो सके। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में, नेक्स्ट क्रॉप डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ।